हेलो एवरीवन, आज आपका जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, वो लिबरलाइजेशन से आगे के टॉपिक है कि लिबरलाइजेशंस में हमारे क्या क्या चीज़ हुई थी, उसके बाद हमें टॉपिक्स में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिबरलाइजेशन से आगे, द इकोनॉमिक रिफॉर्म टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग, कि हमारे जो लिबरलाइजेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म को अच्छा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ हमारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, कुछ सेक्टर्स में उसने रिफॉर्म किए हैं कि हमारे कुछ सेक्टर्स अच्छे किए जा सकते हैं तो हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो सेक्टर आता है, फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, थर्ड आता है हमारा टैक्स रिफॉर्म यानी कि कर सुधार, फोर्थ आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड फिफ्थ आता है हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल मीन्स औद्योगिक क्षेत्र में सुधार, फाइनेंशियल हमारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार, टैक्स रिफॉर्म हमारा कर सुधार और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म हमारा विदेशी मुद्रा में सुधार, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म हमारी जो है वो व्यापार और निवेश नीति में सुधार। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म को अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट ने इनमें भी कुछ ना कुछ रिफॉर्म किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे कि हमारे इसमें क्या क्या बताया गया है। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म की। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म मीन्स औद्योगिक क्षेत्र में सुधार। चलिए मैं आपको एक एक डिस्क्राइब करूँगी कि इनमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। इन ऑर्डर टू मेक नेसेसरी रिफॉर्म इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इट्स न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन जुलाई 24, 1991, कि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या क्या रिफॉर्म किए गए हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक सुधार करने के लिए गवर्नमेंट ने जुलाई 24, 1991 में एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी कि भाई हम क्या करते हैं कि हमारी इंडस्ट्रियल में कुछ ना कुछ चेंजेस करने के लिए हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, द वेराइज मेजर्स अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म इंक्लूड, तो उसी के थ्रू उन्होंने इसमें भी कुछ पॉइंट्स इंक्लूड, कुछ मेजर्स को इंक्लूड किया गया। फर्स्ट देखते हैं हम रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस, यानी कि इसमें क्या करा उन्होंने औद्योगिक लाइसेंस की, कि हमारे जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस होते हैं उनमें रिडक्शन कर दिया, उनको रिड्यूस्ड कर दिया, उनमें कुछ ना कुछ कमी कर दी। कि जैसे पहले क्या होता था कि अगर कुछ भी हमें किसी को भी इंडस्ट्री लगानी है तो हर किसी को लाइसेंस मिल जाता था, लेकिन अब उन्होंने इसमें क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। ठीक है, सेकेंड पर बात करते हैं डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। डिक्रीज मीन्स कमी कर देना, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, पब्लिक सेक्टर के रोल में यानी कि पब्लिक सेक्टर की जो भूमिका थी उसको भी डिक्रीज कर दिया, उसको भी कम कर दिया। ठीक है, थर्ड आता है हमारा डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीन्स जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी यानी कि छोटे छोटे जो लघु उद्योग थे उनको भी आरक्षण दे दिया कि भाई हाँ छोटी छोटी हमारी इंडस्ट्रियाज कर सकते हैं, हमारे मतलब जो न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी आई उसमें हम छोटी इंडस्ट्रियों को एक आरक्षण दे दिया, उनको एक रिजर्वेशन दे दिया। ठीक है, फोर्थ आता है हमारा मोनोपोलीज एंड रिकंस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं MRTP। ठीक है, तो मोनोपोलीज मीन्स एक अधिकार और हमारा कुछ रिकंस्ट्रक्शन से तरह से यानी कि हमने उस पर क्या कर दिया, एक प्रतिबंध लगा दिया। और कहाँ पर, ट्रेड पर, कि हमारी कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेड में प्रथाएं थी जिनमें कुछ ना कुछ बैरियर्स, कुछ रोक लगा दी गई हैं। ठीक है, तो ये बात थी हमारी किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार की। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हमारा जो होता है वो वित्तीय क्षेत्र से रिलेटेड होता है, एक फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक कॉमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि वित्तीय क्षेत्र में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही इंक्लूड है, यानी कि वाणिज्य बैंकों से
कॉमर्शियल बैंक, निवेश बैंक जैसे हमारे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इन्वेस्ट बैंक जिनमें हम निवेश करते हैं, हम अपना पैसा लगाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज हमारा आता है कि भाई हमें कहाँ कहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज संचालन है हमारा, एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कि भाई हमारा विदेशी मुद्रा बाजार कैसा है। तो फाइनेंशियल जहाँ भी आ जाएगा वहाँ पर हमारे सारे बैंक, हमारी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा कि हमारे जितना भी भारत में वित्तीय क्षेत्र का कंट्रोल है, फाइनेंशियल सेक्टर का जो कंट्रोल है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा केंद्रीय बैंक है, और केंद्रीय बैंक हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई के नाम से भी फेमस है। तो हमारा जितना भी कंट्रोल है वो सारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होता है। तो जितना भी फाइनेंशियल से रिलेटेड है, फाइनेंशियल सेक्टर है हमारा, वो रिजर्व बैंक में कंट्रोल, रिजर्व बैंक के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी हमारी कुछ ना कुछ मेजर्स, कुछ ना कुछ हमारे रिफॉर्म्स दिए गए हैं। द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड अंडर फाइनेंशियल सेक्टर आर, तो हमारे क्या कहा इन्होंने कि वित्तीय क्षेत्र में भी हम कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ ना कुछ रिफॉर्म कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। भाई डेवलपमेंट के लिए हर एक कंडीशंस के लिए हर एक सेक्टर में अप्लाई किया जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इसमें चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई, कि भाई आरबीआई ने भी अपने रोल में कुछ ना कुछ चेंज किया है, आरबीआई ने भी अपनी भूमिका में चेंज लाए हैं वो भी, ठीक है। थर्ड आता है हमारा ऑर्गेनाइज ऑफ प्राइवेट बैंक, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइज किया गया है वो प्राइवेट बैंक में, यानी कि निजी बैंक की जो उत्पत्ति हुई थी उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा पहले क्या था कि गवर्नमेंट बैंक ज़्यादा होते थे, लेकिन अब क्या है प्राइवेट बैंक प्राइवेट बैंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए कहा जाता है, और प्राइवेट बैंक में भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड आता है हमारा इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश की जो सीमा थी उसको इंक्रीज कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया, ठीक है। इजी इन एक्सपेंशन प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर क्या करा कि इस प्रोसेस को क्या कर दिया ईजी कर दिया कि भाई विस्तार की जो प्रक्रिया है वो ईजीली कर दी, उसको आसानी हो, ठीक है। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर कि भाई हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म किए गए हैं। अब थर्ड आता है हमारा टैक्स, टैक्स सभी को पता होगा क्योंकि कहीं ना कहीं हम टैक्सेस पे भी करते हैं, वो डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, कहीं ना कहीं हमें सभी को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट भी है। टैक्स रिफॉर्म रेफर टू रिफॉर्म इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच आर कलेक्टिविटी नाउ एज इट्स फाइनल पॉलिसी, कि भाई हमारा जो टैक्स रिफॉर्म है वो क्या रेफर करता है कि टैक्स रिफॉर्म में हमारे यानी के सरकारी कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियाँ, कि भाई हमारी गवर्नमेंट टैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं सरकारी कराधान, और पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि हमारे जो सार्वजनिक खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर हमारे खर्चे हो गए, पॉलिसीज हमारी नीतियाँ होगी, कि इनमें सुधार के लिए हमने क्या बनाई है राजकोषीय नीति के रूप में हमने उसको जाना है। और राजकोषीय नीति किसको बोलते हैं, जो यहाँ पर लिखा है फाइजल पॉलिसी, FISCAL फाइजल पॉलिसीज, ठीक है। तो ये हमारे टैक्स रिफॉर्म में आता है, हमने किसका यूज़ किया, पॉलिसी का यूज़ किया, गवर्नमेंट के टैक्सेशन को और पब्लिक एक्सपेंडिचर को पे करने के लिए, कि भाई हम क्या करेंगे कि हम उसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब हम उसे सामूहिक रूप से हम कलेक्टिविटी रूप से हम इसकी इसको जानेंगे तो हम इसको राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है, ठीक है।